यार ऐसा मौका जब जाता है ना पैसा कमाने का, तब बहन जो है ना भाई मेरा मतलब के मुझे बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही तकलीफ महसूस होती है मुझे, ये क्या हो गया। हाँ ये रिवर्स में था, इसी नहीं है यार। वो मोहित चौधरी बोल रहा था मैं लगाऊंगा 10 लाख रुपये। माँ चौध दी है पैसों की, बहन चौध। भाई मलाइका सही में यार मैंने तुझे समझाया था, बोला था कि भाई मैं 50 लाख की शरण लगा लेता हूँ, भाई तुझे 10 लाख दे दूंगा मैं, तुझे कुछ लगाना नहीं है, तुझे घर बैठे बहन चौध 10 लाख रुपये मिल रहे हैं, मेरे बीच में मत आइयो, मेरा तो ये मोहित चौधरी लगाएगा पैसे, लगा लो मेरा लौड़ा। बहन चौध माँ चोद दी है 50 लाख की। भाई जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में एक चीज याद रखना के बहन चोद है ना के वो बोलते हैं ना भाई के बहन चोद सही टाइम पे सही बात करना और सही टाइम पे सही काम उठाना, उसको ही लक बोलते हैं। बहन चोद सही टाइम पे सही बात करना और सही टाइम पे सही काम उठाना, उसको ही लक बोलते हैं। बहन चोद आज बहन चोद 50 दिन के ऊपर हो गया, वो बंदी बहन चोद मजे से काट रही है अपनी जिंदगी। बहन चोद इन लोगों की कंट्रोवर्सी में 50 लाख मिल रहे थे मुझे, बहन चोद सब घोषणा कर दिया 50 लाख का। बताओ भाई बहन चोद, मैं सोच रहा था कि भाई कुछ हो जाएगा 50 लाख कमा लूंगा, मेरे बीच में मत आइयो, लो लोड़ा ले लो, बीच में मत आइयो। वो मोहित चौधरी मैं लगा लूंगा 10 लाख। बहन चोद उसने तो कमाए नहीं, मेरे भी कमाने के गए, सारा बहन चोद सिस्टम खराब कर दिया भाई। $30,000-35,000 की मां चोद दी है ये लोग। क्या बोलू यार अब मैं, सालो हवाबाजी की भी एक हद होती है, हवाबाजी की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। बहन चोद मुझे पता था कि वो लफंडर ने दारू पी रखी है, लूट लेता उसको मैं 50 लाख आराम से, पहले लूटे थे ना मैंने 1 लाख उसके हवाबाजी के चलते, फिर से लूट लेता 50 लाख में। बहन चोद भाई ऐसे पैसे कमाने के जब मौके जाते हैं ना भाई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है सही में। पचास लाख में बहन चोद मैं मतलब के 1 महीना अच्छे से निकाल लेता अपना, 1 महीना बहन चोद मैं अच्छे से निकाल लेता अपना आराम से। मां चोद दी 1 महीने की पूरी। बहन चोद यहाँ पे खर्चा है भाई महीने का $40,000-50,000। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता 1 महीने तक, आराम से बहन चोद टांगे फैला के 18 इयर्स पीता रहता 1 महीने और बकचोदिया पेलता रहता तुम लोगों के साथ, 1 महीने तक बकचोदी पेलता मैं तुम लोगों के साथ। तुम लोग पागल हो जाते कि ये पनौनी भैया बहन चोद इतने वेल्ले कैसे हो गए, बहन चोद 5-5, 10-10, 12-12 घंटे लाइव से बैठे रहते हैं,
पूरे प्लान की मां चोद दी। मैंने सोचा था कि भाई अगस्त महीने तक इसके 50 लाख में लूट लूंगा और एक महीना आराम से बहनचोद है ना, अगस्त के अंदर आराम से टांगे फैला के बहनचोद 18 इयर्स अपना पीऊंगा और बहनचोद जिंदगी के मजे काटूंगा एक महीने तक, और इन लोगों के साथ बकचोदियों के बड़े से बड़े फॉर्म भरता रहूंगा लाइव पे चढ़ के। पूरे प्लान का बहनचोद पूरा लास वेगास कर दिया इन लोगों ने, पूरा लॉस, टोटल लॉस कर दिया पूरे प्लान का। देखो भाई बेबीलोन दिखाता हूँ, यहाँ से बेबीलोन स्टार्ट होता है, कितना खूबसूरत है ये बेबीलोन देखो भाई। ये दिल्ली में तो झील बनने से रही, ये देखो भाई ये सही में झीलों वाला गांव है, ये देख लो भाई झीलों वाला गांव देख लो भाई। यहाँ पे आज कुछ पता नहीं कुछ है यहाँ विलेज में, ये देखो फेयर लगा हुआ है, मजे काट रहे हैं सब लोग, मेरे मजे की भी मां चोद दी है मलाइका ने। 50 लाख होते मेरी जेब में अभी तो मैं भी जाता वहां पे, ये देखो भाई मां चोद देंगे, ये देखो कतई खूबसूरत माहौल भाई देखो किसी का सादा हो रहा है, देखो वो लड़की ग्रूम है वो, देखो वो रेड वाली ग्रूम है वो, चुदाई की फूल तैयारी कर रही है अभी। चौद पूरे पैसों का भोसड़ा कर दिया मादर चौद बहन चौद। चाय पियोगे, पापे खाओगे, बूंद लोगे, लंड दोगे, अरे सालो लोगो तो बहन चो सब लोग देंगे। मुझे लेना था लेकिन मिला नहीं बहन चोद। चाऊ पियोगे, पापे खाओगे, बूंद लोगे, लंड लोगे बहन चोद। भोसड़ा कर दिया अब दिमाग का, 50 लाख की बहन चोद दी है मलाइका ने। अब चलाओ बहन चो गोवा खा के लाइव करते रहो बकचोदिया। जब कमाने का मौका था मैंने उसको कॉल किया, मैंने भाई मैं लगा देता हूँ 50 लाख, तुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बोला 10 लाख मैं तुझे दे दूंगा, तू भी अपनी टांगे फैला के बहनचोद गोवा खा के बहनचोद पूरा महीना आराम से घर पे बैठियो और लाइव के बकचोदी के फॉर्म भरियो और मैं भी 40 लाख कमा लूंगा, लूट लूंगा वो गरीब को मैं। 1 लाख तो लूट ही लिए थे, मैंने बोला दूसरी बार लूट लूंगा इसको मैं। चाय पियोगे, पापे खाओगे, बूंद लोगे, लंड लोगे बहन चोद। ले लो बहन चोद, खा लो पापे बहन का भोसड़ा। चलो बहन चो बात बात पे ये लोग भोलेनाथ की कसम तो ऐसे खाते हैं जैसे कि बहन चो भोलेनाथ की या ना बांदर चोदो ने मतलब के भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं है। भोलेनाथ की कसम, ये चैन मेरी बीबी की कसम, ये चैन है ना ये भी मेरी बीबी ने गिफ्ट की थी, लेकिन ये लौंडे ने जो भोलेनाथ के ऊपर जो गाना गाया ना भाई, ये गोल्ड की चैन में उसको गिफ्ट करता हूँ भाई। वो बंदे को अभी तक गोल्ड की चैन नहीं मिली, वो चैन से सो नहीं पा रहा है, रात को चैन नहीं मिली तो चैन से नींद नहीं आ रही है उसको। बहन चोद पापे खाओगे, बूंद लोगे, लंड लोगे, बातों बातों पे बहन चोद भोलेनाथ की कसम, बात बात पे भोलेनाथ की कसम भाई। सालो शरम कर लो नल्लो, एक दिन तुम्हें भी भगवान के पास जाना है। कल आए थे मेरे दादा मेरे सपनों में, मेरे दादा और मेरे परदादा दोनों भाई। एक बार है ना मैं ये चर्च में बहुत रोया था, देखो दिखाता हूँ मैं, बहुत रोया था मैं।
2011 24 दिसंबर सुबह के 6 बजे इस चर्च में मैं आया था। पीछे कोई है नहीं ना? हाँ, सुबह के 6 बजे इस चर्च में मैं आया था, ये चर्च में सुबह के 6 बजे 24 दिसंबर 2011। बहुत रोया था मैं इस चर्च में, बहुत मतलब के बहुत रोया था मैं ये चर्च में। लाज रखी सच्चे बादशाह, हवाबाज मत बनाई लोगों की तरह। बहुत रोया था अभी इस चर्च में मैं भाई। कल ही मेरे सपने में मेरे दादा और मेरे परदादा आए, ठीक है। मैं तो सोया था, सपना चल रहा था, उफानों पे था मेरा सपना। मेरे दादा ने बोला कि की हालचाल, मैंने बोला वो भैंचो, मैंने बोला ये गुजराती पंजाबी कैसे बोलने लगा। मैंने बोला भाई तुम तो गुजराती हो, तुम पंजाबी कैसे बोलने लगे। तो उन्होंने बोला कि नरक में भी अब जगह नहीं रही ना, तो हम लोग भी दीवारों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो। उसने मेरे परदादा ने बोला हाँ कि नरक में भी अब जगह नहीं रही, हम खुद दीवारों के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पे दो चार पंजाबी है मेरे साथ, राइट। तो उन लोगों के साथ बैठ बैठ के की हाल पाजी, हालचाल ठीक ठाक। तो मैं भी सीख गया भाई पंजाबी। तो फिर मैंने भी मेरे दादा को बोला, परदादा को, फसोंगो पीटोंगो। उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज है। मैंने बोला आजकल मैं हरियाणवी बन चुका हूं ना गुजराती से। उन्होंने बोला अच्छा, पैसों की बहन चोद दी है, अब लो बहन चो, बूंद लो, लंड लो, जो लेना है लो, और क्या लो, सब कुछ। चलो भी अब मैं सावल लेने के लिए जाऊंगा, दो चार पांच काम थे मॉर्निंग में, मेरे बाप ने बोले थे कुछ काम, तो अब भी उठा था, सारे काम सिमटा दिए, ठीक है। 50 लाख की माँ भी चोद दी आज। चलो भाई, शर्म आनी चाहिए बहन चोद, 50 लाख की बहन चोद दी। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं अब सावर के बाद 1-1.5 घंटे में, ठीक है। खुजली हो रही है मेनू बॉडी में, सावर नहीं लिया है ना मैंने 6 दिन से, गर्मी में तर बदर पसीने से था मैं इतने दिनों से। अब निकालूंगा मैं पूरे ये पूरे वीक का अपने बॉडी से मैल। हाँ, चलो बाय, टेक केयर। लंडोगे, पापे खाओगे, माँ के लोड़े। चलो